एनएचआरसी ने दिल्ली पंजाब समेत चार राज्यों को फटकार लगाई है। जी हां, आयोग ने कहा है कि मजबूरी में पराली जला रहे हैं किसान, पराली जलाने के लिए सरकारों ने कोई उपाय नहीं किए गए हैं, प्रदूषण बढ़ना चारों राज्यों की विफलता का नतीजा है। तो ये फटकार एनएचआरसी के द्वारा लगाई गई है। एनआरटीसी ने कहा है कि दिल्ली और पंजाब में जिस तरीके से ये लगातार पराली जलाने के मामले आ रहे हैं, ये किसानों की कहीं ना कहीं मजबूरी है, लेकिन इसे लेकर सरकारों ने कोई उपाय नहीं किए गए हैं, प्रदूषण बढ़ना चारों राज्यों की विफलता का नतीजा है। तो सरकार को फटकार लगाई गई है और जिम्मेदार बताया गया है कि पराली जलाने के लिए आखिर कोई उपाय क्यों नहीं किया गया है सरकार की तरफ से। तो एनएचआरसी ने दिल्ली पंजाब समेत चार राज्यों को जमकर फटकार लगाई है। आयोग ने कहा है कि मजबूरी में किसान पराली जला रहे हैं क्योंकि कोई उपाय नहीं किए गए हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, जिस वजह से पराली किसान जला रहे हैं, मजबूरी है उनकी, लेकिन सरकारों की तरफ से कोई उपाय क्यों नहीं किए गए हैं। और जो प्रदूषण लगातार राज्यों में बढ़ते जा रहे हैं, ये विफलता, सरकार की विफलता को बताता है। और ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां चार राज्यों को फटकार आयोग की तरफ से लगाया गया है, और ये जो पराली जलाने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसे लेकर ये कहा गया है आयोग की तरफ से कि ये उनकी मजबूरी है। और रवि चंदेल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए एनएचआरसी ने दिल्ली पंजाब समेत चार राज्यों को फटकार लगाई है। उन्होंने साफ तौर पर आयोग की तरफ से ये कहा गया है जो लगातार पराली जलाने के मामले हैं वो किसानों की एक मजबूरी है, लेकिन सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया, कोई उपाय नहीं बताया, जिस वजह से उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और यही वजह है कि लगातार किसान की तरफ से पराली जलाई जा रहे हैं। तरीके से लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और एक्यूआई सिस्टम जो है वो लगातार खराब होता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जो है वो सभी दिल्ली समेत तीन राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ जो है वो बैठक की गई थी, और उस बैठक के बाद यानी कि कल जो है 12 नवंबर को जो है उसे मानवाधिकार ने निर्णय लिया। मानवाधिकार ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर जो है वो किसानों के ऊपर जो है इसका छिकरा पूरा जा रहा है, तो उन्होंने निश्चित तौर पर डायरेक्शन देते हुए कहा कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ने को लेकर जो पराली जलाने के जो मामले सामने आए हैं उसको लेकर सरकार को जो है वो पुख्ता कदम उठाए जाने चाहिए थे। बाकायदा पराली की कटाई मशीनों का जो उसकी उपलब्धता है वो तीनों राज्यों में जो है वो किसानों को मुहैया करवाई जानी चाहिए थी, ताकि किसान जो है वो पराली को जलाने के बजाय उसको काट कर कोई और अल्टरनेट जो है वो देखे। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से हरियाणा का जो है एग्जाम्पल सेटअप करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा जो है वो एथेनॉल प्लांट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं जहां पर पराली जो है वो इस्तेमाल की जाएगी, तो ऐसे ही अल्टरनेट्स जो है विकल्प जो है वो अन्य राज्यों को भी ढूंढने चाहिए ताकि पराली का जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो सके। बिल्कुल, प्रदूषण का स्तर कम हो सके इसे लेकर आयोग ने फटकार तो लगाई है, लेकिन सवाल रवि चंदेल अभी भी यही बना हुआ है, क्योंकि तमाम राज्य के जो सरकार हैं वो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आते रहते हैं कि कोई सख्त कदम केंद्र सरकार की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लगातार पराली जलाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो आखिर कोई कदम इस ओर क्यों नहीं उठाया जाता है। देखिए, जिस तरीके से लगातार जो है वो ये प्रयास किए जा रहे थे कि किसानों को जो पराली है उसको जलाने से उनको समझाया जाए, कोई विचार विमर्श या कोई अल्टरनेट जो है कोई विकल्प जो है वो ढूंढकर जो है वो दिए जाए, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि पराली की कटाई मशीनें जो है वो किसानों को जो है वो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिस वजह से विवश होकर जो है किसानों को पराली जो है वो जलानी पड़ रही है। इसके साथ साथ जिस तरीके से जो है वो बाकी अगर हम प्लांट्स की बात करें, इथेनॉल प्लांट्स की बात करें, तो उन इथेनॉल प्लांट्स के अंदर जो है किस तरीके से जो है पराली का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी चीजों ऐसे विकल्पों पर भी जो है वो राज्य सरकारों को काम करना चाहिए ताकि प्रदूषण का स्तर जो है वो कम हो सके। तो इसको लेकर जो है अब 18 नवंबर को एक बार फिर से मुख्य सचिवों के साथ बैठक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ बैठक होगी, उसमें क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। जी ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर चलते हैं, विनय हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, देखिए एक बार आपसे भी समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, जो एनएचआरसी की तरफ से चार राज्यों को फटकार लगाई गई है, दिल्ली पंजाब समेत चार राज्यों को फटकार लगाई गई है, क्या क्या अहम बातें आयोग की तरफ से की गई है, जरा डिटेल में बताइए।
देखिए जिस तरह से दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पराली का भी, पराली जलाए जाने का भी इस प्रदूषण लेवल पे योगदान रहा है। और इसी पराली के मामले को लेकर एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया था, यानी कि स्यूमोटो लिया गया था, जिसको लेकर चार राज्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के सचिवों को बुलाया गया था। उनको फटकार लगाया एनएचआरसी ने, उन्होंने कहा कि राज्यों सरकारों की तरफ से किसानों को जो फसल कटाई है उसके लिए मशीनें नहीं दी गई हैं, इसलिए किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं। किसानों के लिए कहा है एनएचआरसी ने कि किसान मजबूर हैं, पराली का समाधान नहीं है इन चारों राज्यों की सरकारों के पास, इसलिए किसान मजबूरी में पराली चला रहे हैं। राज्य सरकारों को फटकार लगाई है, चारों राज्यों को सचिवों को कहा है कि कोई समाधान अगर निकालना है तो पहले पराली से निपटना किस तरह होगा किसानों को ये बताना होगा, इसीलिए किसान पराली जला रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अब देखना है कि एनएचआरसी की इस फटकार के बाद जो चार राज्य जिनको ये फटकार लगी है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश है, तो वो इस तरह से यहां पे जो पराली का मुद्दा है उसका क्या समाधान निकालते हैं, बशर्ते ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि पराली को निपटाने के लिए कई तरह के जो केमिकल हैं जो कि पराली को वहीं की वहीं जहां पे खेत होते हैं वहीं पे उसको नष्ट कर देते हैं और वहां पे जमीन को नुकसान भी नहीं होता, इस तरह की कई जो वैज्ञानिक चीजें हैं जो केमिकल हैं वो निकालने की बात सरकार करती है, बशर्ते दिल्ली सरकार भी इसी तरह की बात करती है और हरियाणा सरकार भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि घोल छिड़काव किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी कुछ दिनों पहले नासा की तरफ से, नासा की सैटेलाइट की तरफ से भी एक फोटो जारी की गई थी जिसमें दिखा था कि पंजाब में किस तरह से पराली जल रही है। पंजाब का जो नक्शा था वो पूरी तरह से लाल दिख रहा था, जिससे पता चलता है कि पंजाब में पराली जल रही थी। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर एनएचआरसी की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया था और उसके बाद चारों राज्यों के सचिवों को बुलाया था, उनको बोला था कि किसान मजबूर हैं इसलिए पराली जला रहे हैं, समाधान सरकार को करने के लिए कहा था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए।